देखती आंखों सुनते गाना आपको तारिक महमूद का बहुत बहुत सलाम। नई रेसिपी के साथ तारिक हाजिर है, आए आपको दिखाते हैं क्या बन रहा है। आज हम बनाएंगे जी गोश्त और पालक। ये मटन है, आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि हमारे घर में मैं और बेगम जानी खाते हैं सिर्फ पालक, वो भी नखरन से खाती है, सिर्फ मैं ही पालक ज़्यादा खाता हूँ। ये टमाटर पेस्ट, प्याज की, देसी घी, गरम मसाला, सूखा धनिया, बड़ी इलायची एक, नमक एक टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी, सुरख मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। बनाना हम करते हैं शुरू। ये डालते हैं इसमें देसी घी, अब डालते हैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट, अब इसको होने देते हैं थोड़ा सा गर्म, फिर दिखाते हैं। ये गर्म हो गया, अब इसमें डाल देना आयन फैक्ट। ये मैं इसलिए उठा उठा के डालता हूँ कि ये जो इसके अंदर पानी होता है ना, इसका निकला था वो ना जाएगा, इसलिए मैं इसे करके डालता हूँ। लहसुन अदरक को इसके साथ करेंगे थोड़ा सा ब्राउन, यानी कि गोश्त भी अपना रंग बदले, ब्राउन हो जाए, फिर अगला दिखाते हैं। तो लेकिन गोश्त बिल्कुल अपना रंग छोड़ गया, बदल गया, और अब इसको हम डाल देंगे ये टमाटर, और इसमें डालेंगे ये मसाला जात, हल्दी, सुरख मिर्च, नमक, सूखा धनिया और एक बड़ी इलायची, और बाकी का बाद। नहीं, टमाटर भी तकरीबन हो गए, अब डालते हैं ये पेस्ट, प्याज की पेस्ट। पेस्ट बना के रखे हैं, अब तो बेगम जानी भी कह रही थी कि ये तो आपने बड़ा कमाल किया, लहसुन अदरक की भी पेस्ट और ये भी पेस्ट बना के रख दी, पहले क्यों नहीं हमें कभी बताया, ताकि ये टाइम बहुत बचता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये भून लूँ और बस पालक गोश्त तैयार। लेकिन जनाब ये ना, इसने मसाले ने देखें अपना पानी छोड़ दिया, घी ऊपर आ गया, बिल्कुल बड़ा मज़े का भुन गया। अब इसमें थोड़ा सा ना गर्म पानी डाल के इसे दम दे देना, ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए, यानी थोड़ा सा ही ना। तो फिर उतनी देर आपको एक जोक सुनाता हूँ। एक औरत ने चाय बना के दी अपने मियाँ को, तो मियाँ बड़ा खुश हुआ, उसने कहा वाह जी वाह, आज तो आपने बड़ी तबाही की ना चाय बनाई है, 40 साल हो गए शादी में, पहली दफ़ा आपने इतनी मज़े की चाय बनाई। तो वो आती है बारी बारी कमरे से, कहती है हाय हाय मेरी मत मारी गई, मैंने तो अपने वाला कप आपको दे दिया। ये तकरीबन आधा कप पानी में ढह के तो इसको ना दम पे दे कर गरम मसाला डाल देते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी फिर दिखाते हैं अल्लाह के फजल से आप देखें जी, ये अब उसने अपना घी छोड़ दिया, भुन गया बिल्कुल बेहतरीन, तो गोश्त तैयार हो गया। अब इसमें ये पालक डाल देते हैं और बस, फिर पालक को ज़्यादा नहीं भून रही, पालक तैयार होती है डब्बे वाली है ना, मैंने फ्रेश नहीं ली, तो आजकल वैसे लीडर में आ रही है फ्रेश पालक भी ना, उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, मैंने फिर काम पे जाना था, टाइम नहीं था गया, तो
बस अब इसको हल्का हल्का भूनना बेहतरीन पालक किया। मुझे बिल्कुल वो खुश्क पालक नहीं पसंद, वो पाकिस्तान में अच्छी लगती थी, इधर नहीं अच्छी लगती। इधर ऐसे थोड़ा थोड़ा इसमें हो, ये ऐसे थोड़ी सी मतलब ग्रेवी टाइप में, वो मुझे अच्छी लगती है। अगर किसी को जर्मन खानों की कोई फरमाइश हो तो वो बिल्कुल मैसेज कर सकता है, एसएमएस करे और कमेंट्स में कर दे, डायरेक्ट मैसेज कर दे, एसएमएस कर दे, व्हाट्सएप कर दे, तो जो भी जर्मन खाना, इटालियन खाना वगैरह हम बना सकते हैं रेसिपी के लिए। अल्लाह के फजल, उसके करम और उसकी मेहरबानी से कैसी पालक जो है ना, उसने कैसे घी छोड़ा, भुन गई है, बिल्कुल ग्रेवी भी है, गोश्त भी गला हुआ है। इस खुशी में एक छोटा सा शेर सुने। तेरी नज़रों को फुर्सत ना मिली, तेरी नज़रों को फुर्सत ना मिली, वरना मर्द इतना ला इलाज ना था। हमने वहाँ भी मोहब्बत बांट दी, जहाँ मोहब्बतों का रवाज ना था। दिखाता हूँ आपको डिश आउट करके। फ्रेंड जी, आपने देख लिया पालक गोश्त बन गई बेहतरीन, थोड़ा सा दूसरों से ज़्यादा तरीका मेरा, वो भी आपने देख लिया। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को भी दुआओं में याद रखें कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। खुदा हाफिज़।